So till now we'll see radiation pressure. These are all for numericals only. Theory part is not asked. Radiation pressure. So we know pressure is equal to force upon area. Force upon area. So force, just now we have seen here, force is equal to power upon speed of light, P by C. P by C लिखा यहाँ पर, और pressure per unit area is called intensity. This will be I by C, P I C. I is intensity, and this is used for completely absorbing surface. If it is completely reflecting surface, rays goes and comes back with the same speed, the same energy. For completely reflecting surface, pressure will be double, two times of this. यहाँ पे देखो two आ गया. Reflecting का completely reflecting में इसका front line हटा दो तो two आ जाता है ना. Twice याद कर सकते हैं. Reflecting में two जैसा दिखता है. Twice of this because momentum will be double. Na? Change of momentum double हो गया तो force double हो जाएगा. Force double हो गया तो pressure double हो जाएगा. Twice of I by C. All right. जैसे एक सिंपल क्वेश्चन ले सकते हैं, अगर दोनों ही इन्वॉल्व है, रिफ्लेक्टिंग पार्टली है, पार्टली अब्सॉर्बिंग है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट ऑन परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस, 70% ऑफ द रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड, देन फाइंड द रेडिएशन प्रेशर. 70% तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, 70% के लिए ये फॉर्मूला आएगा 0.72 I/C रिफ्लेक्टिंग वाला, और 30% अब्सॉर्ब हो जाएगा 0.3 I/C अब्सॉर्बिंग में I/C इट कम्स 1.7 I/C. ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया हमने. I the intensity, C the speed of light. Now again for numerical, one more relations. We have to derive the numerical. We can do prove that average intensity of EM wave is given by this relation. Average intensity is C epsilon naught ERMS square. Intensity we know, energy upon time, energy per unit time per unit area. और इसमें अगर x से x द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ईएम वेव, डिस्टेंस कवर्ड से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड कर दिया, और ए द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट रे, सपोज लेजर समझ लिया हमने, तो उसकी लेजर बीम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है. Area of cross section into distance covered is volume, or distance upon time is C, energy as it is. So ये जगह energy per unit volume is called energy density. C the speed of light here. और energy density का formula हमें पता है, 1/2 E² is the electric field. Electric field का relation ये होता है, oscillating electric field है EM wave में sinusoidal, तो E naught square. और साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाता है. इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी फिर, इसकी स्क्वायर वाले की एवरेज वैल्यू 1/2 आती है, बाकी टर्म्स एज इट इज. यहाँ पे सी छूट गया देखो, तो ये आ गया. इसको ऐसे लिख सकते हैं आरएमएस के टर्म में, ई नॉट बाई टू का स्क्वायर जो होता है आरएमएस स्क्वायर होता है. यहाँ पे देखो आरएमएस पीक वैल्यू डिवाइड बाय रूट टू, तो ये दोनों मिला के ईआरएमएस स्क्वायर आ जाएंगे. तो ये हो गया. सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम आएगा, इक्वली डिवाइड होती मैग्नेटिक फील्ड भी सेम आएगा. इसको डबल कर देंगे, टोटल विल बी ट्वाइस ऑफ दिस. ये इतना आ गया, टू टू कैंसिल हो गया, ये रिलेशन आ गया. पीक इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें लिखना, तो ये फॉर्मूला फिर से चेंज कर देंगे तो टू भी आ जाएगा नीचे,
this is the relation required for numericals, not for the derivation. तो देखते दो numericals इसमें कौन कौन से हैं. They are important for JEE and NEET only. Solid example है दोनों दफा. Light with the energy flux, मतलब intensity दी है इतनी, SI में convert कर लेना इसको. Falls on the non-reflecting surface. तो two नहीं आएगा उसमें. At normal incidence, if the surface has the area this much, average force निकालना है और time दिया है. तो ऊपर जो formula हमने पढ़ा था, I इक्वल टू अभी थोड़ी देर पहले U upon TA आया था, cross multiply किया TA इधर आ गया, I दिया, time दिया, ये A भी दिया है, ऐसा unit में convert करके energy मिल जाएगी. Energy को C से divide करते तो momentum मिलता है, its property जो पढ़ी थी हमने. और मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करते तो फोर्स मिलता है. लाइक दिस थ्री इक्वेशंस यू टू फॉलो. ये सॉल्यूशन में दिया है देखो ऐसा, बट यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है एनर्जी कैसे निकाली, इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय टाइम. उसके बाद फिर मोमेंटम निकाला एनर्जी को सी से डिवाइड करके, फिर फोर्स निकाला टाइम से डिवाइड करके न्यूटन. All right, next question, जो second derivation अभी हमने किया उस पर depend करना है. Calculate the electric and magnetic fields produced by the radiation coming from 100 watt bulb at a distance of 3 meter. Assume that the efficiency of bulb is 2.5% and it is point source. Point source मान लो, ऐसे point source है, 3 meter, okay. तो 2.5% रेडिएशन ही हो रहा है, तो पावर विल बी 2.5% ऑफ पावर ऑफ द बल्ब विच इज 100. यहाँ से पावर आ जाएगी, इंटेंसिटी निकालने के लिए पर यूनिट एरिया, सपोज पॉइंट सोर्स है, 3 मीटर का जो स्फीयर बनेगा उसके इनर सरफेस पे लाइट पड़ रही है ऐसा समझ लो. स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr² आर विल बी 3 मीटर. इससे इंटेंसिटी आ जाएगी, वो आधी उसकी आधी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिकल होगी. इलेक्ट्रिकल का जो डेरिवेशन किया था हमने देखो, यहाँ पर ये वाला दैट कम्स फ्रॉम हाफ ऑफ द इंटेंसिटी, आधी इंटेंसिटी मैग्नेटिक उसमें जाएगी, इंटेंसिटी हमने ऊपर से निकाली उसको हाफ कर दिया, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर है, तो टू टू चला जाएगा. इसको सॉल्व किया, ईआरएमएस इज इक्वल टू आई बचा इधर, नीचे सी एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, देखो यही किया है, सॉलिड एग्जांपल ए निकाला, फिर पावर पावर को 2.5 से परसेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पावर इंटेंसिटी निकाली पावर अपॉन एरिया से, फिर वही 50% जो होगी दैट विल बी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया. फिर अगर ई नॉट निकाला तो √2 टाइम्स कर देंगे, यहाँ भी ई नॉट निकालना है तो √2 टाइम्स ऑफ ERMS. तो दैट्स हाउ इट विल बी डन. लास्ट में मैक्सवेल्स इक्वेशन है. मैक्सवेल ने यूनिफाइड किया था इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म को, इसलिए जो वेरियस साइंटिस्ट की इक्वेशन है, दे ऑल पुट टुगेदर आर कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशंस. तो पहली गॉसेस लॉ पढ़ी थी हमने, E.ds और E.da is equal to charge enclosed per charge enclosed divided by permittivity, electrical permittivity of that medium. तो ये first equation, ये second Gauss's law in magnetism. Magnetism में net charge zero होता है, magnetic charge एक plus होता है, एक minus होता है, एक south pole का, एक north pole का plus, south pole का minus. Isolated pole तो होता नहीं, monopole is not possible, combined pole होता zero हो जाता है उसका. ये जीरो हो गई गॉसेस लॉ. एंड फैराडेज लॉ क्या पढ़ा था, ई इज इक्वल टू -d5/dt, ई इज द इंड्यूस ईएमएफ व्हिच इज वोल्टेज. इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में वोल्टेज को हमने पढ़ा था, ई डॉट डीएल दोनों इक्वेट कर दिए. एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था ये हमने, उसमें मैक्सवेल ने करेक्शन किया, डिस्प्लेसमेंट करंट भी उसमें ऐड किया, इनकम्प्लीट रह गई थी वो, बिकॉज जब हम
मैक्सवेल लॉ अपना किरचॉफ लॉ कैपेसिटर के प्लेट के बीच में लगाएंगे, यहाँ तो कन्वेक्शन करंट है ही नहीं, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट लिया जाएगा, ये जीरो हो जाएगा कन्वेक्शन करंट, आई सी द कन्वेक्शन करंट, जब वायर के ऊपर लगाएंगे एम्पियर सर्किट का तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा, कन्वेक्शन करंट देंगे उस समय। दैट्स हाउ मैक्सवेल मॉडिफाइड द एम्पियर लॉ आई सी, इसको हमने क्या लिखा आर डी लिख दिया, देखो डिस्प्लेसमेंट करंट म्यू नॉट को कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, आई सी प्लस आर डी हो गया। तो ठीक है, दैट्स ऑल, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।